India's best kept secret, creator of Azad Hind Fauj, a visionary, one and only Subhash Chandra Bose. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नाम सुनते हम क्या चीज़ आता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बस इतना ही हमें पढ़ाया जाता है और उसके बाद हम नेताजी को भूल जाते हैं। उसके पश्चात क्या है, हमें नेताजी के बारे में कुछ पता नहीं चलता और एक दोस्त केवल नामों को जो है श्रेय दे दिया जाता है आज़ादी का और उन्हीं के बारे में हम गाते पढ़ते और लिखते रहते हैं। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। ऐसे ही मैं भी सोचता था पहले तक, लेकिन जब जियो आया हमारा, जियो को एक्सरे दिया जा सकता है जहाँ हमें इंटरनेट एक्सेस मिलता है, जहाँ हमें पता चलता है, तो मैं खोजा नेताजी के बारे में तो पता चलता है भाई ये तो सबसे बड़े महानायक है हमारे आज़ादी के, जिनको छुपा के रखा गया था, सबसे बड़े हीरो हैं हमारे। लेकिन क्या होता है, इनके बारे में किसी को पढ़ाया नहीं जाता अच्छे से, हमें बताया तक नहीं जाता है और ये हमारे जो पाठ्य पुस्तक से इतिहास से लुप्त हो जाते हैं। लेकिन अब खुल के इतिहास सामने आ रहा है, जहां इस टीज़र में देख सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनका जो है, साथ में एक आध दो मूर्तियाँ और भी थी जिनको ज़बरदस्ती रखना पड़ता है, उनके साथ नेताजी का जो है स्टैचू रिवील होता है। क्या सीन है भाई साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ इनके स्टैचू को दिखाना सच में बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उनकी तरह कुशाग्र बुद्धि वाले थे नेताजी, जिन्होंने जो है देश में ही रहकर भी, देश से बाहर जाकर भी ऐसे ऐसे लोगों के साथ हिटलर को भी बहुत चक्का कर दिया था, ऐसे कुशाग्र बुद्धि वाले थे। तो हम यहाँ बात करने आए हैं निखिल सिद्धार्थ की अपकमिंग मूवी, जहाँ कार्तिकेय 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद उनका जो है नेक्स्ट पैन इंडिया मूवी आ रहा है स्पाई, जिसमें जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो है टॉपिक को जो है यहाँ जो है क्राइम थ्रिलर के माध्यम से मूवी में दिखाया जाने वाला है। तो देखते हैं कि इसमें जो है कितना सच वो दिखा सकते, क्योंकि ऐसे ऐसे सच जो है भारतीय इतिहास में छुपे हुए हैं, जहाँ अनुज धर जो कि नेताजी पर विशेष रिसर्च करने वाले हैं, उन्होंने तक कहा है कि गवर्नमेंट के पास ऐसे सीक्रेट्स है जिसको वो अभी रिवील नहीं करना चाहती। तो सोचिए कि अगर एक आध सीक्रेट लीक हो के या फिर अपने दम खम दिखा के डायरेक्टर साहब अगर इस फिल्म में जो है कुछ सीक्रेट्स को रिवील कर देता है तो ये सनसनी हो जाएगी और ये नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होना इतना ही है। क्योंकि अगर आप कुछ दिखाने की हिम्मत रखते हैं, आप क्षमता रखते हैं जो कि इतिहास में जो छुपा हुआ है, तो जो जनता है उसको सपोर्ट करती ही है भाई। कार्तिकेय 2 हो, कश्मीर फाइल्स हो, केरला स्टोरी हो, या जो भी सच्चाई आप दिखाने की क्षमता रखते हो उसको जो है ऑडियंस के द्वारा समर्थन मिलना ही है। तो निखिल सिद्धार्थ स्टारर इस जो है स्पाई थ्रिलर मूवी में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो है प्लेन एक्सीडेंट, जिसको हालांकि हिंदी डब में इन्होंने 1947 प्लेन क्रैश कहा है, लेकिन वो 1945 में माना जाता है जितना मैं जानता हूँ। तो 1945 में जब नेताजी को जो है गुमनाम कर दिया गया था, गुमनामी वाली थ्योरी बनाई जाती है और कहा जाता है कि उनका जो है प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी, जबकि उनके शव को क्यों नहीं लाया गया, उनका DNA टेस्ट क्यों नहीं किया गया, मतलब कई सारी थ्योरीज हैं। तो देखते हैं ये फिल्म जो है क्या दिखाना चाहती है और कितना फैक्ट्स पर ये मूवी दिखाएगी, क्योंकि हमें जो है नेताजी के बारे में अगर बताया गया तो हमें उनके बारे में देखना है, ये नहीं कि फिल्म आपको इधर उधर घुमाती रहेगी तो ऑडियंस इस फिल्म से इरिटेट हो जाएगी। तो इसको ऑफ द टॉपिक न जाके ऑन द टॉपिक जो है नेताजी के बारे में ही जो है दिखाया जाना चाहिए और उनके बारे में ही जो है फिल्म बेस्ड होनी चाहिए, ना कि केवल नाम का उपयोग करके आप फिल्म को बेच दोगे, ऐसा नहीं होने वाला। नेताजी भाई हमारे ऐसे गुमनामी हीरो है, गुमनामी बाबा का पता नहीं, ऐसे गुमनामी हीरो है जो महानायक है हमारे आज़ादी के, जिनका सबसे बड़ा श्रेय है आज़ाद हिंद फौज ने ही अंग्रेज़ों को जो है उनके नेशनल आर्मी में विद्रोह करके, उनके नेवी में विद्रोह करके और बड़े बड़े जो है उनके जो सेना है आज़ाद हिंद फौज ने जो है अंग्रेज़ों को जो है छक्के छुड़ा कर इस प्रकार से विवश करके आज़ादी मिली थी, ना कि हमें जो है बिना खड़ग बिना खप्पड़ के बिना ढाल के एकदम साबरमती के संत द्वारा आज़ादी दी गई, ये सब झूठ है इसको जो है हमें पढ़ाया जाता है और ये सच्चाई आज सामने आती जा रही है। नेताजी सबसे बड़े श्रेयदार हैं हमारी आज़ादी के, आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया गया था, आज़ाद हिंद सरकार बनी थी जिसको 11 देशों द्वारा मान्यता दी गई थी, जिसके नोट से करेंसी थे, कई सारे जो है चीज़ जो है पहले से तय हो चुकी थी। तो क्यों अचानक से नेताजी गायब हो जाते हैं, यही कारण था कि कुछ लोग डरे हुए थे कि अगर नेताजी जो है भारत में आ गए तो पहला प्रधानमंत्री ही बनेंगे, वो अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे, अंग्रेजों का इतिहास को मिटा दिया जाएगा, भारतीय इतिहास को सामने लाएगा। लेकिन होता क्या है, नेताजी गायब हो जाते हैं और कुछ लोगों को जो है पार्टी की मान्यता मिल जाती है, कुछ लोगों को आज़ादी का पूरा श्रेय दे दिया जाता है और उसके पश्चात जो है इतिहास हम पढ़ ही रहे हैं, मैकॉले घटिया शिक्षा पद्धति जिसमें अंग्रेजों के तारीफ के पुल बांधे जाते हैं, मुगलों के तारीफ महिमामंडन किया जाता है और हमारे भारतीय राजा महाराजा और आज़ादी का श्रेयदार नेताजी जैसे जो है लोग हैं वो लुप्त हो जाते हैं, उनके बारे में केवल एक ही लाइन रहती है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बस उसके अलावा क्या जाता है नेताजी के बारे में तो कोई किसी को कुछ पता ही नहीं है भाई। लेकिन नेताजी इतने कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे कि हिटलर तक को बहुत चक्का कर दिया था उन्होंने, जिसके बारे में आप कहानी सुनते ही होंगे, जानते होंगे। तो देखते हैं निखिल सिद्धार्थ की अपकमिंग फिल्म स्पाई जो है क्या सच दिखा पाती है क्या, क्योंकि बजट जो अच्छा खासा नहीं लग रहा है, मूवी तो एक मजाक टाइप का लग रहा है उसका टीज़र देखने पर, आप एक बार देखें क्योंकि डबिंग भी प्रॉपर नहीं लग रहा है। तो देखते हैं कि फिल्म में कितना सच्चाई दिखा पाती है, क्योंकि अगर अच्छा दिखाया गया फिल्म में, बजट कम भी हुआ तो ऑडियंस सपोर्ट जरूर करेगी। तो आपके इस क्या कहना है कमेंट करके जो बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।